अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत खुशबाश हो। इसी दुआ के साथ आज के प्यारे से दिन का करते हैं आगाज। तो दिन तो काफ़ी हो चुका है, जैसे 10 बजने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान मुबारक ही है, 24 रमज़ान मुबारक है। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन जो मेरे भाई, जो दोस्त अभी मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो जाके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का दिन है जो मैं अपने प्यारे व्यूवर के साथ शेयर करने वाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी मैंने आज काम पे नहीं गया, तो आज मैंने छुट्टी किया, कुछ घर के काम काज थे। तो मैंने कहा है अपने प्यारे व्यूवर के साथ आज का दिन अपना शेयर कर दूँ। तो यार काफ़ी लोग कमेंट्स नीचे कर रहे होते हैं कि इस तरह बोलो। तो यार नए हैं यार, बनता है, आपका बोलना भी बनता है। बाकी यार तू अल्लाह के बंदे, तू चुप कर। बाकी पहले मेरे व्यूवर मुझे बातें सुनाते हैं, ऊपर से तू बोलना शुरू कर देते। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि हाँ मैं सरेकी हूँ, तो यार उर्दू बोलने में थोड़ा मसला तो होता है यार, समझा करो यार। हमारी ज़बान तो सरेकी है, कोशिश करते हैं यार, अप्रिशिएट किया करो। थोड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाए माफ़ कर दिया करो यार। बाकी मैं अपने बार सेटअप पे आ चुका हूँ, तो इनके लिए मैं पानी लेके आया हूँ। तो इनको पानी फीड वगैरह मैंने दे दी थी, तो अभी इनको पानी, इनके जो बर्तन पड़े हैं पानी वाले, पानी इनको डालता हूँ। और बाकी व्यूवर, और मैं एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की, भूल गया यार। खुशखबरी ये है कि मैंने अपनी मुर्गी अंडों पे बिठाई थी, उसको आज दिन हो गए 21। वो भी जाके चेक करते हो, छुट्टी का दिन है यार, घर काम तो करना पड़ेगा। निकल गए हो तो निकल गए हो, घर हो तो काम करना पड़ेगा। चलो मैंने कहा जो छुट्टी का दिन मेरे ऊपर दबाव आके अपने व्यूअर के साथ भी शेयर कर दूँ कि छुट्टी वाले दिन मेरे साथ ये होता है। तो बाकी चलते हैं, इनको पानी भी डालता हूँ और बाकी खुशखबरी भी देखते हैं। अल्लाह करे बच्चे निकल आए हूँ। तो बाकी पहले जाके इनको पानी डालता हूँ। ये मुर्गा मेरा बहुत ही शरारती है, बहुत ज्यादा। ये मुर्गा बहुत शरारती है यार, इसको मैं निकालता भी नहीं हूँ, ये सारा दिन अंदर ही रहता है। तेरी बच्चू सजा है ना, ये कितना गंद किया हुआ है यार। आप लोग यार इनका डबल काम है यार, शौक करने के लिए ना कुछ करना पड़ता है यार, शौक है ना, शौक पूरा हो रहा है। ओ इसको देखता हूँ, एक दिया ओ दिया 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 पड़ा है पड़ा है। चल फिर पानी आप लोगों को डालता हूँ। यार ये मुर्गी ना, ये देख सकते हैं, छोटी सी मुर्गी है, डेली का एग देती है। तकरीबन इसको हो गए 4 से 5 मंथ हो गए, डेली यार। देखो इसकी सेहत चेक करो, और डेली का अंडा माशाल्लाह यार। भाई जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने मुर्गी बिठाई थी 2 अंडों पे, और एक मुर्गी के आज 21 दिन पूरे हो गए। तो देखते हैं कि बच्चे उसके निकले हैं कि नहीं निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि व्यूअर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने 2 मुर्गियाँ बिठाई थी, एक ये और ये, इसके हो गए 20 दिन पूरे। तो मुझे लगता है जो ये अंडे के छिलके बह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुर्गी ने बच्चे निकाल दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गी ने बच्चे, माशाअल्लाह सारे बच्चे निकले, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह गाइस सारे बच्चे निकले हैं। और फिलहाल ये जो मुर्गी बैठी है, इसके अभी 10 दिन रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने सारे बच्चे दे दिए गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी ने सारे 13 एग मैंने रखे थे, 13 के 13 बच्चे निकले हैं, और सारे फैंसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको बाहर निकालते हैं, इनको दाना पानी पिलाते हैं। वो चिक्स निकले हैं उसको, क्योंकि वो जो इनका केज था उसमें 2 मुर्गियां बैठी हुई थी, तो एक ने दे दिए थे चिक्स, निकाल दिए थे, एक बैठी अभी उसके तकरीबन 7-8 दिन रहते। तो बाकी चिक्स जो थे इस कमरे मैंने छोड़ दिए, अभी इनको फीड भी देते हैं और पानी भी डालते हैं। और अपने व्यूवर्स को भी दिखाता हूँ,
क्योंकि बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह। 12 एग रखे माशाल्लाह, ये चिक्स निकले हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये चिक्स हैं। तो गाइस मैं जा रहा हूँ यार काम पे, तो वो आप पीछे देख सकते हैं वो राया है। तो कज़न को मैंने कहा यार थोड़ी हेल्प कर दे यार, मुश्किल में हूँ। तो वो रेडी वगैरह लेके आ रहा है, तो इंशाल्लाह चलते हैं फिर। रेडियो पर हूँ वहीं तक खड़ी है, पर यहाँ बंदर से बद्दी कर। तो मेरे साथ अरसलान भाई हैं जो मेरी हेल्प करेंगे, कज़न है मेरे। तो रेडी लेके आते हैं। तो बाकी यार छाँव भी बहुत ठंडी है यार, मज़ा आ रहा है यार बैठने के। इधर चार पाई पड़ी हो और बंदा सोया हुआ रोज़ा रख के, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, आप काम तो करना पड़ेगा ना। बाकी आज सोलर भी बंद किया हुआ है हमने, क्योंकि आपको जैसा का पता है कि गंदम पक चुकी है तो पानी की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए आज हमने सोलर भी नहीं चलाया। ये देखिए मोटर उठा के मैंने अंदर रख दी, क्योंकि यार जैसे मैंने बताया कि महंगाई है बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए लोग छोड़ते नहीं हैं। जो मुफ्त का मिल जाए ना उसको ले उड़ते हैं, इसलिए हम मोटर रात को खोल के अंदर ही रख देते हैं। तो बाकी वेट करते हैं मलिक अरसलान आ जाए। ये अरसलान आ गए ट्रैक्टर लेके, सुनो चलो चल जी, हम अभी अपने काम पे हो रहे हैं शुरू। हम पहुंच चुके हैं, ये तोड़े हमने उठाने हैं। तो अरसलान तू मेरे तीन नाल, तू थोड़ी हेल्प कर। ये देख सकते हैं गाइस ये तोड़े बने हुए हैं, ये उठा के हमने अपने ट्रैक्टर पे डालने हैं और उधर घर लेके जाने हैं। मोटर भाई चल रोक रहे गाइस। तो दोस्तों जिस तरह हम उधर से लेके आए और इधर इस स्टाइल से रखेंगे, ये थोड़ा सा दिन ये सूख जाए उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। चल ले आ भाई, तकरीबन मेरे लगेंगे तकरीबन 10 से 11 चक्कर लगेंगे, कोई मसला नहीं है। अरसलान भाई मेरे साथ हैं, तो फिर कोई ओहो गाइस काम हो गया ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। जो काम कर रहा था वो काम ख़त्म हो गया। अभी मैंने तैयारी की है, नहा लिया है, तो थक बहुत गया हूँ यार।
तकरीबन 10-12 चक्कर लगे हैं, लेकिन कज़न ने हेल्प करवाई है तो काम जल्दी ख़त्म हो गया। तो बाकी व्यूअर मैं अभी जा रहा हूँ अपने चक में, ये आप डब्बा देख रहे होंगे, ये हेडफोन है या सॉरी ये मैक हैं। तो ये मैंने परचेज़ किए थे अपने कज़न के थ्रू, तो ये सही नहीं चल रहे थे, तो उसकी इधर हमारे चक में शॉप है तो उधर ही बंदा उसको दे के गया था, लेकिन ये ख़राब है। तो अभी वो बंदा दोबारा उसकी शॉप पे आ रहा है, तो उसने कहा कि ये मेरे पास ले आ तो मैं आपको चेंज करवा के देता हूँ। तो मसला ये बन गया कि मेरे पास अभी बाइक भी नहीं है, कोई ले गया है, और दूसरी ये बाइक खड़ी है, ये है ख़राब। तो मैं उसको कॉल करता हूँ, तो गाइस कज़न को कॉल की है, मैंने कहा भाई बाइक नहीं है, ले जा मुझे। उसने कहा है कि मैं खुद आता हूँ या किसी को भेजता हूँ। तो मैं वैसे पैदल जा रहा हूँ जितने तक जा सकता हूँ। तो दोस्तों सफ़र मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है, आप देख सकते हैं ये सड़क जहाँ तक जाती है बहुत आगे तक, यहाँ पे टर्न होती है ये जाके, बहुत ज़्यादा सफ़र करके आया हूँ। तो हमारा चक जो है इस साइड पे है, तो थोड़ा वेट करता हूँ यार। तो लगता है भाई ये बच्चा आ रहा है, तो बंदा आ गया, इंशाल्लाह इसके साथ बैठते हैं। क्या हाल है भरा, आ गए चाहिए वैसे मैं ना मैं चलावा है वह ढमा में ना है कोई सही सही रास है मैं तो चला ना ढमा में तो आंदे ही चलो मैं को ढवाया तो तक मैं छपे सा चल तक हूँ की नहीं मरी थे हाँ दोला देखे सही क्या लास्ट खैर अल्लाह खैर करे किन वैसे चलो देखे। दोस्तों हम दुकान पे पहुंच चुके हैं, तो ये हम आ गए अपनी दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, ड्राइवर सर क्या हाल है? ड्राइवर तो माशाल्लाह, ड्राइवर तो साकू बस आखिरी खैर गिन के असा क्या खैर है मेरे नाल पहुंच वजू। ये इमरान भाई ठीक हुए तबीयत सेहत? बंदा आए क्या ना आया बंदा आ गए क्या थे अच्छा क्या धन तो बेस्ट है।